नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में भर्ती यानी कि सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग में दो जिलों का नोटिफिकेशन यहां पर फिर से जारी हो चुका है जिसकी लास्ट डेट 17/12/2024 यानी कि 17 दिसंबर 2024 रखी गई है। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से वो दो जिले हैं जिनमें निकली है जिला दिव्यांग पर भर्ती। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए उन दो जिलों की अगर हम बात करें तो दोस्तों पहला जिला आपका रहेगा भिंड जिला और दूसरा जिला आपका रहेगा बड़वानी जिला। यहाँ पर अगर आपको देखना है कि बड़वानी जिले में कहाँ पर नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं तो सबसे पहले आपको कुरुम्बा उजर पर जाना है, डिस्ट्रिक्ट बड़वानी लिखना है। डिस्ट्रिक्ट बड़वानी लिखकर आप जैसे ही सर्च करोगे यहाँ पर आपको नोटिस वाले ऑप्शन पर चले जाना और यहाँ पर एक भर्ती का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र विषय विशेषज्ञ पद सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग अंतर्गत जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती। इसके आवेदन 1/10/2024 को स्टार्ट हो चुके थे जो कि 15/10/2024 तक चलने वाले हैं। उसी प्रकार आप जिला भिंड का भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके जिले में भर्ती निकलती है तो आप किस प्रकार से जानकारी लगा सकते हैं कि हमारे जिले में किस पद पर भर्ती निकली है तो उस कमेंट कर जरूर बताइए। हम आपको जरूर बताएंगे कि अपने जिले में निकलने वाली भर्ती आप किस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला दिव्यांग वर्ष केंद्र में 11 पद स्वीकृत किए गए हैं जो कि 27/11/2024 से 17/12/2024 तक लास्ट डेट है। अगर हम बात करें बड़वानी जिले की तो इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको फाइल का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। कार्य कलेक्टर सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला विभाग जिला बड़वानी विभिन्न रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चलिए जानते हैं कौन कौन से यहाँ पर रिक्त पद आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर पहला आप अगर देखेंगे तो क्लिनिकल मनोचिकित्सक का है, इसमें आपको एक पद देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, मानदेय इसमें 20,500 रुपये प्रतिमा देखने को मिल जाएगा। दूसरा है वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट, तीसरा सीनियर पैथोटिस्ट, चौथा सीनियर स्पीच थेरापिस्ट, आर्थोटिस्ट के बाद हियरिंग असिस्टेंट जूनियर के पद देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको मोबिलिटी के देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद अकाउंटेंट का देखने की मिल जाएगा, कंप्यूटर असिस्टेंट का देखने की मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रारंभिक उपचार का मिल जाएगा, चौकीदार का मिल जाएगा, केयर गिवर का मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको 14 पद देखने को दोस्तों यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको जो चयन सूची वो आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आपकी जो है वो बनाई जाएगी, डायरेक्ट मेरिट के आधार पर आपका दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिभागियों का चयन शैक्षणिक योग्यता से में प्राप्त प्राप्तांकों एवं अनुभव के आधार पर तय की गई मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता व अनुभव के आधार पर गणना की जाकर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अब उपरोक्त में आप किस प्रकार से कर सकते हैं, अब आपको यह ऑफलाइन आवेदन भेजना है तो आवेदन आपको कहाँ मिलेगा तो आप सबसे लास्ट में जैसे ही जाएंगे यहाँ पर आपको आवेदन देखने को मिल जाएगा। यह रहा आपका आवेदन फॉर्म, इसे आपको भर देना है, सभी डॉक्यूमेंट की कॉपी लगाकर आपको इसे जिला बड़वानी के एड्रेस पर भेज देना, वो भी हम बताएंगे एड्रेस क्या है। विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर आवेदन पत्र को कार्यालयीन समय में डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर जिला कार्यालय सामाजिक न्याय दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र नवीन भवन आशाग्राम जिला बड़वानी में प्रस्तुत कर सकते हैं। एक एड्रेस ये रहा दोस्तों, और दूसरा अगर हम एड्रेस बात करें तो सबसे ऊपर आपको चले जाना है, ये रहा आपका एड्रेस। यहाँ पर आपको ये एड्रेस देना है, कार्यालय कलेक्टर सामाजिक न्याय दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग जिला बड़वानी। ठीक है, ये दो एड्रेस आप कोई सा भी एक एड्रेस डाल सकते हैं, पिन कोड आप निकाल सकते हैं जिला बड़वानी का पिन कोड। अगर हम बात करें जिला भिंड की तो भिंड जिले का भी आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। भिंड जिले का नोटिफिकेशन आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे भिंड जिले का नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन कर देना है। कार्यालय कलेक्टर सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला भिंड, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे पद दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर पद आपको देखने को मिल जाएंगे। सेम पद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे हमें बड़वानी जिले में मिले, यहाँ पर आपको कुछ एक भृत्य का पद अलग देखने को मिलेगा, चौकीदार का पद देखने को मिलेगा। ठीक है, चौकीदार अब इसमें बात कर लेते हैं, इसमें भी ऑफलाइन आवेदन करना है। यह रहा आपका ऑफलाइन आवेदन पत्र, यहाँ पर आपको ये फॉर्म पूरा भर लेना है। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद आपको पूरे जरूरी जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लगा देना, उसके बाद इसे भेज देना है जिला भिंड के एड्रेस पर। अब भिंड जिला के कौन सा एड्रेस है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय कलेक्टर
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण, जिला भिंड, पिन कोड आपको नेट से निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पत्र जो भरना है वो 17/5/2024 तक कार्यालय समय में 5 बजे से पहले पहले आवेदन पत्र या तो आप खुद स्वयं उपस्थित होकर दे सकते हैं या फिर डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। तो दोस्तों, दो जिले में दिव्य जिला दिव्यांग पुनर्वास में भर्ती निकली है, तो ऐसी ही अपडेट अपने जिले की पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।